हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम कम बैक विद अ न्यू टॉपिक ऑफ मैथ्स। द टॉपिक नेम इज कंपेयरिंग नंबर। नेक्स्ट कंपेयरिंग मतलब, कंपेयरिंग मीन्स क्या होता है? तुलना करना। कंपेयर मीन्स क्या होता है? एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, कि देखिए आप लोग स्कूल में भी आते हो तो आप बोलते हो ना कि वो हमसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है। अपने फ्रेंड्स से बोलते हो ना स्कूल में बच्चों कि देखिए ये लड़का हमसे बड़ा है, हम इससे छोटे हैं। कंपेयर किए ना कि वो हम उससे लंबे हैं और वो हमसे छोटा है। वो हम इसी तरह इसमें भी नंबर्स में भी हम कंपेयर करते हैं, कौन किसकी तुलना में कौन ज़्यादा बड़ा है या छोटा है। ओके, देखिए जैसे लुक एट द नंबर 3, इट इज़ ग्रेटर दैन। देखिए हम आपको इसको कॉपी में बताते हैं कंपेयरिंग नंबर कैसे। देखिए कंपेयरिंग नंबर, दो नंबर को हम तुलना करते हैं, दो नंबर की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे 4 और 5, 4 और 5 नंबर की अगर हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कैसे करेंगे? यही बोलेंगे ना कि 4 नंबर 5 से छोटा है या 5 4 से बड़ा है। बड़ा और छोटा को नंबर को हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन और लेस देन। जैसे अगर हम बोलेंगे 4 इज लेस देन 5, या फिर बोलेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4, मीन्स कि 5 4 से बड़ा है और 4, या फिर 4 5 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह दोनों, मतलब दोनों तरीके से हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बताए ना, एग्जांपल हम दिए कि दो अगर बॉयज़ हैं क्लास में आपके, तो आप एक लंबा है और एक छोटा है, तो आप यही बोलोगे ना कि मैं उससे लंबा हूँ, मुझसे छोटा है, ये बोलोगे ना। तो इसी तरह इसमें भी कंपेयर करते हैं, दोनों तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट आपका 8 और 6 है ना, 8 और 6 को भी हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 इज़ ग्रेटर देन 6 और 6 इज लेस देन 8। 8 इज ग्रेटर देन 6 और 6 इज लेस देन 8। ठीक है, इसमें क्या है? 8 6 से बड़ा है और 6 8 से छोटा है, तो ये भी आपका कंपेयर हो गया। अभी देखिए इसमें आगे, अभी मैंने ग्रेटर देन और लेस देन पढ़ाया ना, उसी तरह इस नंबर को कंपेयर करके ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल देखिए। ग्रेटर और लेस देन का सिंबल कैसा होता है? ये आपका होता है, जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये आपका कैसा सिंबल हो गया? ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया ना। जैसे ये बड़ा है तो बड़े की तरफ हम इसका माउथ, इसका मुंह खोल देते हैं, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। और लेस देन का सिंबल क्या होता है? ये हो गया आपका लेस देन का सिंबल, जिसकी तरफ जो बड़ा रहता है उसकी तरफ हम इसका मुंह खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ग्रेटर, ग्रेटर की तरफ मुंह खुला रहता है और लेस की तरफ मुंह बंद रहते हैं। आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, अभी बताएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको सिंबल बताया कि ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, देखिए अब ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है। इसमें दिया है द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन इज। देखिए हमने बताया था ना आपको भी कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। और लेस देन का सिंबल क्या होता है? द सिंबल फॉर लेस देन इज दिस। ये लेस देन का सिंबल ऐसे होता है और ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे होता है। जैसे देखिए पिक्चर के थ्रू आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कि देखिए इस पे बेल्स दी हुई है ना, क्या है? बेल्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर कितनी बेल्स दी हुई है? 9 बेल्स दी हुई है। और इधर कितनी दी हुई है? 1 2 3 4 5। इधर कितनी बेल्स दी हुई है? 5 बेल्स दी हुई है। तो किधर बेल ज़्यादा है, इधर बेल ज़्यादा है कि इधर बेल्स ज़्यादा है? किस साइड ज़्यादा है? इधर साइड बेल्स ज़्यादा है ना, तो ये ग्रेटर हो गया, मतलब ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो हम इसमें कौन सिंबल लगाएंगे? ग्रेटर का ऐसे सिंबल लगाएंगे। किसका सिंबल लगाएंगे? ऐसे सिंबल लगाएंगे। ओके, इसी तरह देखिए आगे नंबर में भी आपको बताइए, नंबर में देखिए हम कैसे आपको कॉपी में बताते हैं। ऐसे हम कोई नंबर अगर आपका ले लेते हैं ग्रेटर के लिए, हम यहाँ पे ले लिए 7 और यहाँ पे हम ले लिए 5। ठीक है, तो यहाँ बताइए कौन सा नंबर, कौन सा ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है कि 5 ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर है? 7 ज़्यादा होगा कि 5 ज़्यादा होगा? 7 ज़्यादा है ना, 7 बड़ा है ना, तो हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे ना। नेक्स्ट देखिए एक बार फिर हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 4, ओके, और यहाँ हम ले लेते हैं 1। ठीक, तो 4 क्या है? बड़ा है ना 1 से? कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन को हमें पहचानने के लिए हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले कंपेयर करना बता दिया।
ठीक है। तो 4 और 1 में हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है ना, 1 से 4 बड़ा है, तो मतलब 4 ग्रेटर है, 4 बड़ा है 1 से, तो हम ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। अगर यही होता कि 1 छोटा है 4 से, तो हम लेस का सिंबल लगाते हैं। लेस का सिंबल आपको, ग्रेटर का सिंबल ये होता है, तो लेस का सिंबल ये होता है। ठीक, हम आपको एक बार लेस देन पढ़ाते हैं। ठीक है, लेस देन देखिए कैसे होता है। लेस देन जैसे हम यहाँ पे लिख दें 2, ओके, और यहाँ हम लिख दें 8, तो आप दोनों नंबर में कंपेयर करिए, 2 और 8 में कंपेयर करेंगे तो, 2 और 8 में कंपेयर करेंगे तो कौन सा छोटा है? हम ये बोलेंगे ना कि 2 8 से छोटा है, हम यही बोलेंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे कि 8 2 से बड़ा है, उल्टा तो चलेंगे नहीं, सीधा ही पढ़ते हैं, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना 2 8 से छोटा है, मतलब 2 is less than 8। लेस देन का मीन्स ऐसे सिंबल हुआ, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको एक और देते हैं जो कि आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 7। इस ब्लैंक्स में आपको सिंबल फिल करना है, ओके। अब यहाँ पे हम इसको दोनों नंबर कंपेयर करेंगे, 4 और 7 को कंपेयर करते हैं तो क्या पढ़ें बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, 4 is less than 7, मतलब 4 7 से छोटा है, 4 7 से छोटा है, तो मतलब 4 is less than 7, तो हमें क्या, कौन सा सिंबल लगाएंगे? लेस देन का सिंबल लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपके बुक में भी दिया हुआ है, देखिए हम आपके बुक में बताते हैं, बुक में भी लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल दिया हुआ है, आप इसको फिल अपने से फिल करोगे। एक हम बता रहे हैं और एक किया हुआ है, बताया है बुक आपको, उसके बाद जो बचेगा वो आप घर पे अपने से करोगे, ओके। देखिए आपको इसमें बताया हुआ है 5 और 3, 5 और 3 नंबर में कंपेयर किया है ना, 5 और नंबर 3 में कंपेयर किया है, तो 5 क्या है, 3 से, हम यही ना बोलेंगे कि 5 3 से बड़ा है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो 5 is greater than 3, क्या बोलेंगे, 5 is greater than 3, तो देखिए किसका सिंबल लगाया है, ग्रेटर का सिंबल लगाया है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट में क्या है, 3 और 1 है ना, 3 और 1 में कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा ना, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, 3 is greater than 1, मतलब 3 1 से बड़ा है, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे होता है, ओके। नेक्स्ट 4 और 2 को कंपेयर करके जो बड़ा होगा, जो सिंबल लगेगा ग्रेटर के लेस, वो आप लोग लगाओगे। 9 और 4 को कंपेयर करके जो सिंबल लगेगा आप उसको लगाओगे, ओके स्टूडेंट। देखिए अब एक बार लेस देन का भी आपके बुक में दिया हुआ है, वो भी कैसे देख करना है। इसमें देखिए आपको नंबर नहीं दिया हुआ है, ये हाँ ये देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ है, ये नंबर में भी दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको बोला है कलर एज डायरेक्टेड एंड काउंट द कलर्ड ऑब्जेक्ट्स टू फिल इन द करेक्ट साइन और इन द बॉक्सेस, मतलब करेक्ट साइन ग्रेटर और लेस इन द बॉक्सेस, मतलब इसमें बोला है कि जितने मैंगोज़ को कलर करने के लिए बोला है उतने मैंगोज़ को या उतने पिक्चर को आप कलर करिए, और जिस तरफ ज़्यादा कलर पिक्चर है उस तरफ जो शाइन लग गया ग्रेटर या लेस देन वो साइन आपको लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे कितने मैंगोज़ दिए हुए हैं, 6 मैंगोज़ इधर दिए हैं, 6 मैंगोज़ भी इधर भी दिए हैं, लेकिन क्या बोल रहा है कौन कितने मैंगो कलर करना है, कलर 4, मतलब 4 मैंगोज़ को हम 1 2 3 4 ये 4 मैंगो को कलर कर लीजिएगा आप लोग। इसको आप लोग को पता है ना मैंगो किस कलर का होता है, आप लोग कलर करिएगा। और इसमें कितने मैंगो कलर करना है, 3 मैंगो को कलर करना है, 1 2 3, ठीक है। अब आप लोग कलर कर लिए, 4 इधर कर लिए और 3 इधर कर लिए, तो आप बताओगे कि कौन सा मैंगो किस तरफ ज़्यादा कलर्ड मैंगो है, किधर ज़्यादा कलर्ड है, इधर 4 मैंगो कलर है, इधर 3 मैंगो कलर है, तो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे, ठीक। इस तरह देखिए नेक्स्ट भी है, इसमें क्या है, लीव्स दिया हुआ है, पत्तियाँ दी हुई हैं, इधर भी 5 पत्ती दी हुई हैं, इधर भी 5 पत्ती दी हुई है ना, इधर भी 5 लीव्स है, इधर भी 5 लीव्स है, बट क्या बोल रहा है कि इधर 2 लीव्स को कलर करना है और इधर 5 के 5 लीव्स को कलर करना है, और आपको अब पहचानना है कि किधर ज़्यादा कलर्ड पिक्चर है और कौन सा साइन लगेगा, ये वाला आप लोग खुद करोगे, ओके। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर आपको ये साइन करना है, ठीक है, लेस देन में भी, और इसमें देखिए इसमें आपको ग्रेटर लेस देन दोनों पहचानना है। अभी तक तो आप ग्रेटर अलग किए लेस अलग किए ना, लेकिन अब दोनों मिक्स करके करना है, देखिए कैसे करना है। इसमें कुछ हम बताते हैं,
और आप फिर कुछ अपने से करिएगा, ओके। देखिए आपका क्या बोला है, राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर आर लेस इन द बॉक्सेस 5 और 2। नंबर क्या है 5 और 2, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके बताना है कि ग्रेटर का साइन लगाएंगे ग्रेटर का कि लेस का, ठीक। तो देखिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, 5 बड़ा है 2 से, हम यही बोलेंगे ना हिंदी में कि 5 बड़ा है 2 से। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ग्रेटर का बोल दिए ना सिंबल, तो ग्रेटर का सिंबल हम ऐसे लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए 3 और 4, 3 और 4 में कंपेयर करेंगे तो कौन सा सिंबल लगेगा, बोलेंगे ना क्या बोलेंगे, 3 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे 3 इज़ लेस दैन 4, तो लेस देन बोल दिए, लेस देन का सिंबल कैसे होता है ऐसे, ओके। नेक्स्ट देखिए 8 और 3, 8 बड़ा है 3 से, तो क्या होगा, 8 इज़ ग्रेटर दैन 3, मतलब ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। आप पढ़ोगे ना ये अच्छे से इसको समझ के तो खुद ही उसमें आप सिंबल आपको पता चल जाएगा कि क्या लगाना है, ओके। अब देखिए इसको भी एक बार आप अपने कॉपी, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन भी, लेस देन भी, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन भी। तो इसको एक बार अपने कॉपी में राइट करिएगा और अच्छे से एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। स्टूडेंट हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।